बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी के लिए जानी जाती हैं। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। 1975 में इन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1982 में भीगी पलकी की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज बब्बर की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। हालांकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे और राज बब्बर अपनी पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिविंग में रहने लगे थे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज बब्बर ने शादी भी कर ली थी, लेकिन स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता कतई खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रतीक रखा गया। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 साल की उम्र में स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद राज बब्बर टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए थे। वैसे आप स्मिता पाटिल के फैन हैं?